उत्तर प्रदेश के आगरा में मॉक ड्रिल के दौरान 22 मरीजों की कथित मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पारस अस्पताल में 26 अप्रैल को कोरोना संक्रमित मरीजों के मारे जाने की घटना को बयान करते डॉक्टर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। इस घटना पर नेता से लेकर आम जनता तक में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। इस कारण ट्विटर पर हैशटैग आगरा टॉप ट्रेंड में है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। दरअसल आगरा के पारस हॉस्पिटल में 26 अप्रैल को 96 मरीज भर्ती थे। अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या से डॉक्टर बेचैन थे। ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं होने पर डॉक्टर ने 26 अप्रैल की सुबह 7 बजे 5 मिनट का ऑक्सीजन मॉक ड्रिल कर दिया। ऐसे में गंभीर हालत वाले 22 मरीजों की मौत हो गई। अस्पताल के मालिक डॉक्टर अरंजय जैन इस घटना का जिक्र कर रहे थे कि किसी ने वीडियो बना लिया जो अब वायरल हो गया है। जो भी पेंडुलम बने रहे, नहीं जाएंगे, कोई नहीं जा रहा, छोड़ देना, मत लगाओ, छोड़ो, अब वो छाटो जिनकी ऑक्सीजन बंद हो सकती है, जो बिल्कुल ही डेडलाइन पे है। एक ट्रायल मार दो, फिर मॉक ड्रिल करके देख लो, समझ जाएंगे कौन सा मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। सही बात है। मॉक ड्रिल करी हमने सुबह 7 बजे, मॉक ड्रिल हुई, सब दो से बंद, ये किसी पता नहीं, ये मॉक ड्रिल कराई सुन करके सबके, फिर चढ़ गए 22 मरीज, तुरंत खुल गए 22 मरीज छठ गए और 22 मरेंगे। और कितनी देर के लिए मॉकड्रिल करा? 5 मिनट के। 5 मिनट में 22 मरीज मॉकड्रिल हो गए, नीले पड़ने लगे। ओहो ओहो, 22 की मॉकड्रिल में 22 छठ गए, चलो जो बचे 74 बचे। सही बात है, महीने टाइम मिल जाएगा। वह इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी इसे मानवता के खिलाफ बताते हुए तुरंत कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भाजपा शासन में ऑक्सीजन व मानवता दोनों की भारी कमी है। इस खतरनाक अपराध के जिम्मेदार सभी लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। दुख की इस घड़ी में मृतकों के परिवार को मेरी संवेदनाएं। वहीं प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके एक मंत्री के साथ साथ पारस अस्पताल के मालिक के बयानों का जिक्र कर घटना की जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। अब इस वीडियो से उत्तर प्रदेश सरकार और जिला प्रशासन भी दबाव में आ गया है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि उन्हें पारस अस्पताल में ऑक्सीजन मुहैया किए जाने में हुई समस्या की शिकायत मिली है, इसकी जाँच की जा रही है। ये एक शिकायत आया था कि वहाँ पर ऑक्सीजन देने में कोई कमी आई थी, पारस हॉस्पिटल नाम है, उसका जांच आ रहा है, जांच जैसे उसका कंप्लीट हो जाएगा बता देंगे। वही अब अस्पताल और जिला प्रशासन की तरफ से सफाई दी जा रही है कि मॉक ड्रिल में 22 नहीं कम मरीजों की मौत हुई थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑक्सीजन की कमी के कारण मरीजों के साथ मॉक ड्रिल करना ही अमानवीय नहीं है।